हेलो स्टूडेंट, आज हम जावास्क्रिप्ट में पॉजिटिव नेगेटिव और नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स को देखेंगे। क्लियर है? जावास्क्रिप्ट के अंदर ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर रहती है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम एक वेरिएबल लेते हैं ए इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इफ एल्स बेस्ड कर रहे हैं। ए ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है? अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू जो है वो ए से ग्रेटर होगी, मतलब ए की जो भी वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे देखिए ए की जो भी वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे वो अगर जीरो से ग्रेटर होगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो हमारा ए पे जो भी यूजर ने इनपुट किया है ए इज पॉजिटिव नंबर। ए जो कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। क्लियर है? उसके बाद में अगर मान लीजिए कंडीशन हमारी फॉल्स रहती है, मींस हम ए की नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ए इज नेगेटिव नंबर, जो हमारा ए में जो भी वैल्यू, तो ब्राउजर हमें क्या शो करेगा कि जो वैल्यू ए के लिए डाली है वो हमने नेगेटिव डाली है। क्लियर है? ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोग्राम था। चलिए सेव करते हैं इसको। ये हमने सेव किया पॉजिटिव नेगेटिव की पीएन करके हमारा जो है। क्लियर है? अब इसके अंदर देखिए हमने डाला 45। क्लियर है? एंटर किया तो देखिए ए इज पॉजिटिव नंबर। इसको रिफ्रेश करवाते हैं F5 करके, -65 डाली है वैल्यू। ओके करेंगे तो देखिए ए इज नेगेटिव नंबर। क्लियर है? ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोग्राम था। देखिए इसी प्रोग्राम के अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसी प्रोग्राम के अंदर हम देख रहे हैं नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। आज हम जो है एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, अगर आप लोगों को पता हो हमने ग्रेटर नंबर का एक प्रोग्राम किया था। मान लीजिए उसी के अंदर हमने क्या करना हो, दोनों वैल्यूज को अगर हम दोनों वैल्यू सेम डालते हैं तो हमारा बोथ आर सेम भी प्रिंट हो। क्लियर है? चलिए इसी प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं। ए इक्वल इक्वल्स बी, अगर मान लीजिए ए इक्वल इक्वल्स बी रहेगा तो हमारा यहां पे जो रिजल्ट रहेगा वो आएगा बोथ आर सेम, सेम वैल्यू। उसके बाद else है, else के अंदर if a greater than b, और हम यहां पे किसका यूज करेंगे, हम यहां पे यूज जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगे चाहे else के अंदर चाहे if के अंदर, तो हम जो है curly braces का यूज करेंगे। तो a is greater number, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बी इज ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू प्लस बी।
ये आपका नेस्टिंग ऑफ इफेल्स का प्रोग्राम बन जाता है। क्लियर है? देखिए हमने दो वेरिएबल्स लिए ए और बी, दोनों के वैल्यू इनपुट करवाई। अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी, देखिए इक्वल इक्वल्स जो है वो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करवाएगा। वेरिएबल्स कौन से हैं? ए और बी, तो हमें शो करेगा बोथ आर सेम वैल्यू। क्लियर है? उसके बाद में देखिए हमने नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स की बात की थी, तो नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स में क्या होगा, एल्स के अंदर एक और इफ लग जाएगा। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी, फिर अगर मान लीजिए ए और बी की वैल्यू दोनों की डिफरेंट डिफरेंट रहती है, तो जो ये वाली वैल्यू फॉल्स हो गई, एल्स में आएगा, एल्स में ए और बी की वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर ए की वैल्यू बड़ी है तो ए इज ग्रेटर नंबर, और अगर बी की वैल्यू बड़ी है तो बी इज ग्रेटर नंबर। चलिए हमने उसी प्रोग्राम में चेंज किए हैं, तो देखिए ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे हम। ए की वैल्यू एंटर करवाई मैंने 45, बी की वैल्यू मैंने एंटर करवाई 45, एंटर ओके किया, देखिए बोथ आर सेम वैल्यूज शो कर रहा है। दोबारा से ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे हम। अब मैंने ए की वैल्यू डाली 45 और बी की वैल्यू डाली मैंने 65, तो बी इज ग्रेटर। दोबारा से रीलोड करते हैं। अब मैंने मान लीजिए ए की वैल्यू डाली 88 और बी की वैल्यू डाली 65, तो ए इज ग्रेटर। अब देखिए बोथ आर सेम भी हमारा प्रिंट हो गया, ए भी ग्रेटर प्रिंट करवा दिया और बी भी हमने ग्रेटर प्रिंट करवा दिया। तो ये नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स था।